हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज का हमारा टॉपिक है व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप किसे कहते हैं और प्रोग्राम में किस प्रकार हम इसका प्रयोग करेंगे, उन सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप से पहले मैं आपको एक लूप के बारे में बताना चाहता हूँ। लूप किसे कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो कि हमारी पृथ्वी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो वो एक काम को बार बार कर रही है। ये चक्कर लगाना एक काम है तो उसको बार बार कर रही है। इसी प्रकार चंद्रमा भी हमारी पृथ्वी के बार बार चारों ओर घूमता रहता है, ये भी एक काम कर रहा है। पर इन दोनों में आप देखेंगे ये इनफाइनाइट काम लूप है, यानी ये बराबर से रोजाना काम करते रहते हैं। पर हम अपने जो व्हाइल लूप में जो लूप लगाएंगे, है ना, जो लूप रहता है हमारा, वो हमें इनफाइनाइट नहीं लगाना, क्योंकि हमें प्रोग्राम से भी बाहर आना है, ठीक है। तो काम हमें वही करना है, रिपीटेड करना है। तो यही हमें हमारा ये लूप का कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, जैसे कि मैंने कोई, हम अब तक प्रिंट एफ कर रहे थे, स्कैन एफ कर रहे थे, ठीक है। अब प्रिंट एफ में कोई मुझे 10 वैल्यू लिखनी है, प्रिंट करानी है, 10 इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो हमें क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स? इसमें हमें आपको 10 बार प्रिंट एफ स्कैन एफ लिखना पड़ेगा, 10 बार प्रिंट एफ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। पर हमारे लूप में लगा दिया, मैंने एक लूप लगाया, ठीक है। उससे ये लूप से क्या होगा, वही काम को बार बार आपने एक ही बार लिखा है, ठीक है, उसको आप 10 बार चलाइए, ठीक है। चक्कर उसको 10 बार चक्कर चलेगा तो वो उसके बाद वो टूट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काम करना है लूप को, वो अपने आप ही प्रिंट एप स्कैन हमने लिखा, इससे हमारे लूप से लिखने का क्या फायदा होगा, हमारी कोडिंग लिखने की समय बचा, मेमोरी की स्पेस बची, तो हमारे बहुत से फायदे होते हैं लूप से। पर हम लूप में जो रहता है, हमें इनफाइनाइट नहीं चलाना। तो अगर इनफाइनाइट चलाएंगे तो वो हमारा क्या रहेगा, फिर हमारा वो सिस्टम में ही आउटपुट जो कंपाइल में ही घूमता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो हमें इनफाइनाइट तक लूप नहीं चलाना होता है, एक समय पे आके तोड़ना होता है, यानी उसको कंडीशन जो हमने लूप में दी रखी होती है उसको फॉल्स कराना। तो वो फॉल्स किस प्रकार होती है तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक व्हाइल लूप रहता है, इससे सबसे पहले हम वैल्यू को ऊपर इनिशियलाइज कर लेते हैं, है ना। उसके इनिशियलाइज करने के बाद व्हाइल लूप के अंदर हम एक कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं, जैसे कि इफ में कर रहे थे, फॉर में कर रहे थे, तो इसमें एक कंडीशन अप्लाई करेंगे एक छोटा सा। उस कंडीशन अप्लाई करने के बाद उससे क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे व्हाइल लूप के जो भी हमने सिंटैक्स दिया हो, एक ब्लॉक में जो भी लिखा हो स्टेटमेंट, तो उस पर काम करेगा। वो काम जब तक करेगा जब तक कि वो कंडीशन ट्रू है। अब कंडीशन को फॉल्स करने के लिए हमें इंक्रीमेंट करना पड़ता, तो इंक्रीमेंट करेंगे जब तक वो उस वैल्यू के बराबर या घट नहीं जाए, उससे हम उस कंडीशन तोड़ने के लिए तो हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का यूज करते, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से जो हमारी कंडीशन होगी वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, जो हमने वेरिएबल लिया है जिसके हमको कंडीशन अप्लाई करिए तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, इससे हमारा कंडीशन फॉल्स होगी और वो टूट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम व्हाइल लूप में प्रयोग करेंगे, और सिर्फ कंडीशन फॉल्स होने के बाद वो क्या होगा, लूप से बाहर आ जाए। और जो भी हमें स्टेटमेंट दिया जाए, मान लीजिए हमने कोई एक पहाड़ा लिखना है, अब हम जब तक नॉर्मल अब पहाड़ा लिखेंगे, टेबल लिखेंगे दो की, तो उसमें अगर दो को लिखें, दो प्लस इनटू करेंगे वन, तो इस पर हमें 10 बार स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। परंतु हम इसमें अब व्हाइल लूप में क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, व्हाइल लूप के द्वारा हमने लिखा दो का, लिख लिया दो को कांस्टेंट रख लिया, उसके बाद हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वन को, हमने जो वन वैल्यू लिया उसको हम इंक्रीमेंट कराते चले गए, है ना। और कंडीशन हमने इस प्रकार लगा दी कि भाई 10 से ज्यादा चले नहीं, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, एक कुछ स्टेटमेंट में हमारा ये दो का पहाड़ा, दो की टेबल है वो प्रिंट हो गई, ठीक है। तो कम समय में अगर विदाउट व्हाइल लूप करते, प्रोग्राम व्हाइल लूप के बिना भी हो जाएगा, पर बहुत लेंथी हो जाएगा और लंबा हो जाएगा, हमारा कंपाइलर और जो मेमोरी में स्पेस भी ज्यादा लेगा, ठीक है। इसलिए समय की बचत के लिए और मेमोरी की स्पेस की बचत करने के लिए, जो एरर को फाइंड करने के लिए, तो लेस एरर होगी तो उससे हम जल्दी से एरर फाइंड कर सकते हैं। तो इसी सब चीजों के लिए हमें लूप से फायदा होता है। आई होप कि ये व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसके बाद आपको फ्लो चार्ट सिंटैक्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, व्हाइल लूप का सिंटैक्स है, देखिए किस प्रकार लिखा जाता है। सबसे पहले हम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, व्हाइल के अंदर हमने कंडीशन अप्लाई करी है, जो ब्रैकेट लगाया है व्हाइल का, ये व्हाइल का ओपन ब्रैकेट्स है, ये एंड ब्रैकेट्स है, ठीक है। ये क्लोज ओपन स्टार्टिंग और एंड ब्रैकेट्स है। कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कुछ स्टेटमेंट होंगे, ये फॉलो होते रहेंगे, बार बार अप्लाई होते रहेंगे। इसका इंक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट के द्वारा जो यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे उस वैल्यू को, तो या आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के द्वारा कंडीशन पे इफेक्ट पड़ेगा, जिससे कि कंडीशन एक समय पे आकर फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होने पर ये हमारा क्या होगा, व्हाइल लूप से बाहर आ जाए, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये सिंटैक्स रहता है व्हाइल लूप का, जो हमारा प्रोग्राम में काम करेगा। देखिए फ्रेंड्स, फ्लो चार्ट पे आते हैं, फ्लो चार्ट को मैं एक बार समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया, ठीक है। सबसे पहले हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया, ठीक। उसके बाद हमने व्हाइल की कंडीशन अप्लाई करी है, है ना। अगर जो व्हाइल की कंडीशन फॉल्स होती है, सीधे क्या कर जाए, लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये नीचे जाएगा,
नीचे आने पर जो स्टेटमेंट होंगे ग्रुप के वो उस पर काम करेगा। फिर इसके बाद काम करने के बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। अगर हमने इंक्रीमेंट किया तो ठीक है, डिक्रीमेंट किया है तो उसके हिसाब से जो हमारे कंडीशन होगी उसके हिसाब से हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, फिर जो इंक्रीमेंट होने के बाद फिर कंडीशन पर चेक करेगा कि हाँ ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, अगर ट्रू है तो नीचे आएगा, फॉल्स हो तो फिर से अगर कोई फॉल्स है तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होंगे उन्हीं पर फिर से अप्लाई करें। तो ये कार्य हमेशा बराबर से सेम रहेगा, पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चेंज होता रहेगा, जिससे चेंज होने की वजह क्या है, अगर चेंज नहीं होगा तो हमारा ये वाइल कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा और ये चीज चेंज होती रहेगी। अगर वो आपके डिपेंड करता है प्रोग्राम पे, अगर कुछ कर रहे हैं तो इस तरह भी आप कांस्टेंट या इसको भी चेंज करते रहते हैं, कर सकते हैं आप, है ना, ये डिपेंड करता है हमारे प्रोग्राम पर। तो ये हमारा ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट ये अप्लाई होता रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा और इंक्रीमेंट भी बार बार चेंज होता रहेगा। ठीक है, इस तरह जितनी बार आप चलाना चाहते हैं उस कंडीशन को के हिसाब से आप चला सकते हैं, है ना। और एक बार आपको फॉल्स जरूर कराना, एक बार फॉल्स होती है एग्जिट लूप से बाहर आया, नेक्स्ट लूप के बाहर जो हमारा स्टेटमेंट होगा उस पर अपना अप्लाई होगा। ठीक है, एक प्रोग्राम बनाता हूँ इसके द्वारा से आपको एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, एक प्रोग्राम के द्वारा हम व्हाइल लूप को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ठीक है, मैंने छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, मैंने दो हेडर फाइल लिख लिए, std.h conio.h। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने void में लिख लिया है, तीन वेरिएबल बना लिया इंटीजर टाइप के। ठीक है, एक टेबल में एक प्रोग्राम जो बना रहा हूँ जो कि एक टेबल है हमारी। ठीक है, किसी भी एक टेबल को हम कोई भी एक पहाड़ा है उसको हम प्रिंट कराना है। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है। देखिए, मैंने एक इंटीजर ले लिया है डेटा टाइप, उसके तीन वेरिएबल हैं टेबल का, एक टेबल वाई और एक्स। ठीक है, इस तरीके से रहेगा, टेबल वैल्यू होगी जो हम पहाड़ा है जिसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं वो वैल्यू रहेगी, आई जो है हमारे पहाड़े की टेबल के लिए 1, 2, 3 इस तरीके से हम इंक्रीज करेंगे, और एक्स जिसमें स्टोर करा के हम प्रिंट कराएंगे। ये हमारा रहेगा, एक क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगा लिया जिससे कि हम कोई भी हमारा आउटपुट आ रहा है उसको बार बार को उसको क्लियर कर सके। ठीक है, हमारी स्क्रीन को साफ रखने के लिए मैसेज दे दिया, इंटर ए नंबर स्कैनअप द्वारा टेबल को वैल्यू स्टोर करा लिया मैंने। ठीक है, अब मैंने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर लिया। हमारा लूप कब तक चलेगा, ध्यान रखिए हमारे फ्रेंड्स, इसमें हमारा लूप जब तक चलेगा जब तक कि आई की वैल्यू 10 तक ना हो जाए। आई की वैल्यू को ध्यान रखना है, आई की वैल्यू जब 10 के बराबर होने तक चलेगा, 10 से बराबर से बड़ा होते ही उसके बाद ये लूप से बाहर निकल जाएगा, 11 होते ही लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स लिखा है ना, अब ये क्या होगा, आई इक्वल मैंने कोई वैल्यू दी, मान लीजिए 5 दिया टैब में, मैंने वैल्यू दी 5। ठीक है, तो टैब में अगर मैं 5 वैल्यू देता हूँ तो क्या होगा, इससे टैब 5 आ गया, है ना। अब एक बार ये एक है, एक हुआ 5 × 1 = 5, तो क्या प्रिंट कर देगा, टैब 5, आई की वैल्यू 1 और एक्स में जो वैल्यू है 5। ठीक है, तो ये प्रिंट हुआ। अब क्या आई इक्वल टू 1 था 2 हो गया, अब 2 है, चेक करेगा लूप में, फिर से आएगा लूप में चेक करेगा, फिर से वापस लूप पर गया। ठीक है, इस तरीके से देखिए लूप पर गया, तो हमारा क्या हो गया, आई की वैल्यू 2 हो गई है, तो बड़ा अभी भी बड़ा है। ठीक है, जाएगा फिर क्या होगा, आई 5 × 2 10 हो गया, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 10 हो गई। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 10 हो गई, फिर अब आई की वैल्यू 3 हो गई, अब 3 हो गई, फिर क्या हुआ, फिर चेक करेगा, फिर लूप पर गया चेक करा, हाँ हमारा अभी भी बड़ा है ना, 10 बड़ा है आई से, तो फिर आए 3, 5, 3, 15, इस तरीके से हमें प्रिंट होता रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। ये व्हाइल लूप का आपको समझ में आ गया, ये क्या व्हाइल लूप जब तक चलेगा जब तक हमारी आई की वैल्यू 10 से बड़ी ना हो जाए। ठीक है, 10 के बराबर तक तो चलेगा, 10 से बड़ी होती निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम करे, इससे हमारा एक टेबल प्रिंट हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। वो फ्रेंड्स, देखिए मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके आपको दिखाता हूँ क्या आउटपुट आता है। ठीक है, एक वैल्यू एक डालूंगा टेबल के लिए, उसका जो हमारे डेटा है वो हम देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम काम करेगा। देखिए आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है, ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आया, मैंने एक टेबल डाली, इसका रिजल्ट आपके सामने आ गया। आई होप आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया। थैंक यू, कीप वॉचिंग।